तो हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे मैं आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी का अपडेट आता रहता है वो आपके लिए डालता रहता हूँ। तो आपके लिए जो है रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स का नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है यहाँ पर। यह आपका रहने वाला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आपका स्पोर्ट्स की नोटिफिकेशन आपके निकल के आ रही है स्पोर्ट्स कोटा की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड पोस्ट आपको बताऊंगा यहाँ पर। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं। इसके बाद आपको जो है स्पोर्ट्स नॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा कि कौन कौन से नॉर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। देन आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ पर लगाने हैं। देन आपका जो है नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ट्रायल बेस होगा या आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल इंटरनेशनल की आपके 3 साल तक के वैलिड होते हैं, तो वो मैं इसमें यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड यहाँ पर मांगा गया है, कब तक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि द ट्रैक स्टार्ट चैनल पे आपके लिए जो है बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी डाल रखी हैं। अगर आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ सिलेक्शन ट्रायल का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए वेरियस आपके स्टेट में निकल रखी हैं, वो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वैकेंसी का अपडेट आता है वो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो के थ्रू आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि इंडिया में कब कौन सी पोस्ट निकल रही है, कौन से सिलेक्शन ट्रायल निकल रहे हैं, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। प्लीज़ एक बार जो है चैनल को चेकआउट कीजिएगा और ये वीडियो है अपने उन दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा जो कि स्पोर्ट्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखोगे ये नोटिफिकेशन है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो कि मैंने कल रात को डाल दिया था। आप भी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल आप जो है वहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपके जो है क्लोजिंग डेट कहाँ रहने वाली है। तो देखिए आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहने वाली है 23 अक्टूबर 2023 को आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलअप की। और ये फॉर्म जो है ऑफलाइन रहने वाला है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा कैसा फॉर्म है, कैसे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आपका जो रहने वाला है, देखिए फॉर हेडक्वार्टर यूनिट आपका यहाँ पर रहने वाला है मालीगांव के लिए। तो देखिए आपका जो है ग्रेड पे मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पर ग्रेड पे आपका रहने वाला है ₹2000 से लेकर आपका जो है 1900 का आपका रहने वाला है लेवल थ्री से लेकर लेवल 2 तक के लिए। यानी कि अभी आप क्लियर करके चलें कि ये जितने भी इवेंट मैं आपको अभी बताऊंगा ना, ये लेवल 3 और 2 के लिए हैं। जैसे कि आर्चरी हो गया, एथलेटिक हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट आपका क्रिकेट वीमेन के लिए हो गया, एंड मेल के आपका मैन के लिए हो गया, बॉक्सिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, एंड फुटबॉल हो गया। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताएं लेवल 3 के हैं और लेवल 2 के लिए हैं आपका यहाँ पे ग्रेड पे आप देख सकते हो। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप अगर देखेंगे लेवल 3 और 2 के लिए, ये लेवल 2 3 क्या है आपको आगे क्लियर हो जाएगा वीडियो में। तो देखिए आर्चरी में जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है, उसके बाद एथलेटिक आपका जो रहने वाला है एक ही पोस्ट है यहाँ पर, और मैन ये आपका मैन एंड वीमेन आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन एक बार पॉज करके आप जो है इस पूरे टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी डिटेल्स आपको क्लियरली यहाँ पर वैसे भी समझा रहा हूँ, बट कुछ डिटेल्स होती हैं कि आप अगर मैं समझाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद भी देख लीजिएगा या फिर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल के लिए जो है 3 आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है जो कि मेन के लिए रहेगी। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने यहाँ पर एथलेटिक का बताया था कि एक पोस्ट है मेन के लिए, और ये आपका यहाँ पर पोजीशन है, यानी इवेंट आपके जो जो आप कंपटीशन खेलते हैं क्या आपका रोल है, जैसे कि स्विमिंग में होता है या रनिंग में होता है कि काफ़ी सारे स्प्रिंटर होते हैं, लॉन्ग रनर होते हैं या फिर मिड डिस्टेंस वाले होते हैं, तो ये साइड में यहाँ पर आपका लिख रखा है। इसके बाद आपका टेबल टेनिस एक पोस्ट है मेन के लिए जो कि सिंगल्स में है। इसके बाद वॉलीबॉल के लिए 2 पोस्ट है मेन के लिए, एक है लीब्रो के लिए और एक है सेटर के लिए। ओके, इसके बाद क्रिकेट 3 पोस्ट है मेन के लिए आपका, एक रहने वाला है आपका विकेट कीपर के लिए और एक रहने वाला है ऑफ स्पिनर, और इसके बाद एक आपका रहने वाला है ओपनिंग बैट्समैन के लिए। ओके, इसके बाद क्रिकेट का आपका रहने वाले एक पोस्ट जो कि विमेन के लिए है, सिर्फ आपका विकेट कीपर के लिए रहेगा यहाँ पर। बॉक्सिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो एक पोस्ट है विमेन के लिए 54 kg में। देन आप यहाँ पर देख सकते हो पावर लिफ्टिंग एक पोस्ट है मेन के लिए 83 kg के अंडर में। ओके, फुटबॉल में अगर देखें तो 2 पोस्ट है मेन के लिए जो कि एक गोल कीपर रहने वाला है और एक स्ट्राइकर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर लेवल 1 है जो कि 1800 का ग्रेड पे रहने वाला है। आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग ये इवेंट रहने वाले हैं, सभी के लिए जो है आपका यहाँ पर एक एक पोस्ट है। सिर्फ बास्केटबॉल वालों के लिए जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 रहने वाली है जो कि वीमेन के लिए रहेंगी। ठीक है, तो आर्चरी में देखिए दोनों के लिए एक एक पोस्ट मैन एंड वीमेन के लिए। ओके, इसके बाद आपका रहने वाला बैडमिंटन के जो है एक पोस्ट है वीमेन के लिए सिंगल्स के लिए, और बास्केटबॉल में 4 पोस्ट हैं वीमेन के लिए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो
शूटर हो गया, और ऑलराउंडर के लिए आपके दो पोस्ट होगी, दो दो पोस्ट, ओके, वीमेन के लिए। देन बॉक्सिंग में आप देखोगे एक एक पोस्ट है मैन एंड वीमेन के लिए। वेट कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैन के लिए रहने वाला 57 kg और वीमेन के लिए रहने वाला 52 kg। देन वेट लिफ्टिंग में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपकी एक पोस्ट है वीमेन के लिए, आपका रहने वाला है 59 kg के अंडर में ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न हम यहाँ पर देखते हैं, डिवीज़न वाइज आपका यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आपके यहाँ पर आप अपने यूनिट देख सकते हो, डिवीज़न देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि लेवल आप याद रखना कि लेवल 2 और लेवल 3 का जो रहने वाला है ग्रेड पे वो कितना रहेगा, और उसकी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। तो देखिए लेवल 2 और लेवल 3 का जो है मैंने ग्रेड पे आपको बता दिया था, 7th पे आपका रहेगा, कमीशन के थ्रू आप यहाँ पर कमीशन होंगे। तो ये जितने भी आपके गेम हैं लेवल 3 और 2 के हैं, इनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, 12th पास आपकी होनी चाहिए, आपने अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो है अप्रूव होना चाहिए, स्कूल वगैरह आपका रहता है तो 12th पास होना चाहिए आपका, ठीक है। देन आपका जो है इसमें लेवल 1 के लिए आपके 10th प्लस आपके रहना चाहिए, ITI अगर आपके पास है तो वो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको चाहिए क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस ITI, ओके। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो रहे हो, आपका कोई भी डाउट अगर रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, अगर ये कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए वैसे, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए अगर ये, ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें आपका, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ITI वालों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। देखिए अगर आप रिक्रूट होते हैं एज ए टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए तो आपका क्या होता है कि 3 ईयर का आपका जो है अपॉइंटमेंट आपको स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में अगर आप होते हैं तो उसमें आपको 3 ईयर का प्रोविजन कंप्लीट करना पड़ता है, और आपको साथ में अगर आपने ITI कर रखी है तो ये जो है 6 मंथ का रहता है, अदरवाइज आपको 3 ईयर का आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर कोर्स कराया जाता है ITI का, देन आप जो है कमीशन होंगे यहाँ पर, ओके। सो ये बात आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद मिनिमम जो आपकी एज रहनी चाहिए 18 से लेकर आपकी 25 साल तक की आपकी एज रहनी चाहिए, एज जो आपकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन किसी को नहीं मिलेगा यहाँ पर, ये दे रखा है आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी को भी एज का रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ओके। और एज यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल तक की है। नेक्स्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सर्टिफिकेट 2 साल तक के लिए वैलिड होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पैरा में क्लियरली कहा गया है कि 1/4/2021 से पहले वाले जितने भी सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेंगे, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, करंटली एंड इमीडिएट प्रीवियस 2 ईयर फाइनेंशियल ईयर आपका रहना चाहिए यहाँ पर, जितना भी मतलब फाइनेंशियल ईयर जो आपका चलता है, तो दो यहाँ पर आप क्लियरली ये समझ के चलें, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना कि 1/4/2021 के बाद का अगर आपका है ना, यानी 1/3/2021 का, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, आपका जो है इसके बाद का होना चाहिए, यानी 2022 और 2023 का आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा या फिर इसके बाद का चल जाएगा, जैसे कि आपका कोई भी आपका जैसे जून जुलाई का हो गया 2021 का, अगस्त में हो गया आपने कोई कंपटीशन खेला तो आपका चल जाएगा। स्पोर्ट्स नॉर्म्स की हम अगर यहाँ पर बात करें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेड पे के हिसाब से आपका, तो मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स आप यहाँ आप देख सकते हो, कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी ये क्या है यहाँ पर आप नीचे देखोगे। देखिए कैटेगरी ए में किसको रखते हैं, जो कि ओलंपियन होते हैं, ओलंपिक गेम में जिन्होंने सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया होता है या मेडल जीता होता है तो उनको रखते हैं। इसके बाद जो है आपका कैटेगरी बी में क्या रहने वाला है आपका, जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया जूनियर यूथ सीनियर कैटेगरी में, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया जूनियर सीनियर की कैटेगरी में आपका हो गया, एशियन गेम हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गए सीनियर कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद यूथ ओलंपिक हो गए आपके, डेविस कप हो गया जो कि आपके टेनिस में होता है, और चैंपियनशिप ट्रॉफी हो गया हॉकी में, थॉमस कप हो गया आपका, या फिर आपके जो ये बैडमिंटन में होते हैं, तो ये सारे आपके कैटेगरी बी में है। कैटेगरी सी में क्या रहने वाला है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी का, एशियन एशियन प्लस आपका रहने वाला है, ये आपका एशियन चैंपियनशिप एशियन कप आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप स्क्रीन पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। देन इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आप क्लियरली आप समझ पाओगे, अब इसको देखो तो जो आपका मैंने ग्रेड पे बताया था ना, जैसे कि लेवल 1 और सॉरी लेवल 3 और लेवल 2 के लिए, तो इसमें क्या चाहिए नॉर्म्स, देखिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए, रिप्रेजेंट करना होना चाहिए आपका कंट्री को, अगर आपने रिप्रेजेंट कर रखा है तो वो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आपकी 3rd पोजीशन है इन कैटेगरी 3 कैटेगरी सी में है, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपकी 3rd पोजीशन है जैसे कि सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, तो आप एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ओके। इसके बाद एटलीस्ट अगर आपके पास 3rd पोजीशन है नेशनल गेम में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से आपका एसोसिएट है, तो वहाँ पर आपका चल जाएगा, यहाँ पर आप एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि हमने स्कूल नेशनल खेल रखा है, सीनियर नेशनल खेल रखा है, तो यहाँ पर आप वीडियो में प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, करिए नोटिफिकेशन देख लिया करो, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी वीडियोस बनानी होती है तो ध्यान नहीं रहता, आप लोग जैसे कि महीने बाद पूछोगे तो मेरे को ध्यान नहीं रहता, मेरे को टाइम लगता है फिर नोटिफिकेशन देखने में, तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी 1st पोजीशन है फेडरेशन कप में चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी में,
फेडरेशन कप चैंपियनशिप में अगर आपकी सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन है, तो इन पोस्टों के लिए जो कि लेवल 3 और लेवल 2 की थी, उनके लिए आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल 2 वाली जो कि पोस्ट थी आपकी, उनके लिए क्या क्या आपके स्पोर्ट्स नॉर्म्स मांगे गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, रिप्रेजेंट कंट्री अगर आपने कराया कैटेगरी सी के अंडर, कैटेगरी सी के अंडर यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कॉमनवेल्थ आपका गेम हो गया, या फिर आपका जो है एशियन चैंपियनशिप हो गया, एशियन कप हो गया, और या फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम आपने खेल रखा है, ठीक है, तो उनके वो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आई होप साइड से इतने जो है यहाँ पर कॉमनवेल्थ का तो कोई होगा नहीं यहाँ पर। तो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्रेजेंट अ स्टेट इक्विवेलेंट अंटिल, यानी आपने जो है अगर रिप्रेजेंट कर रखा है स्टेट को, यानी नेशनल खेल रखे हैं आपने, सीनियर नेशनल हो गया या फिर जूनियर नेशनल हो गया, आपकी 8th प्लेस तक आ रखी है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। मैराथन वालों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारा डाउट रहता है उनका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अगर आपने 8th पोजीशन होल्ड कर रखी है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, तो आप एप्लीकेबल हो, प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा दोस्त। ओके, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद, तो ये आपका रहने वाला है एथलेटिक के लिए। सो एथलेटिक के जो जितने भी प्लेयर हैं, अगर उन्होंने जो है यहाँ पर मेडल जीत रखा है, देखिए मेडल विनिंग परफॉर्मेंस इन नेशनल इंटर स्टेट सीनियर चैंपियनशिप में, अगर आपने जो है एथलेटिक के बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप दोबारा ये लाइन देख लीजिएगा, एथलेटिक के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मेडल विनर परफॉर्मेंस इन नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में, जितने भी आपने अगर यहाँ पर मेडल जीत रखा है, एथलेटिक वालों की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है ग्रेड पे 1900 वाला जो है उसमें पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1900 वाला यानी आपका मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये लेवल 3 और लेवल 2 के लिए आप एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्चरी वालों के लिए क्या स्पेशल रहने वाला है, देखिए अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा है या फिर मेडल जीत रखा है किस कंपटीशन में, जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि आपका लेड बाय श्री अरुण मुंडा की तरफ से आपका रहने वाला है एज अ प्रेजिडेंट एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ आर्चरी इन इंडिया। तो इन्होंने जो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर अगर आपने रिप्रेजेंट कर रखा है या मेडल जीत रखा है, तो आप इनके लिए एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो रहने वाला है यहाँ पर बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस रहने वाला है, तो स्पोर्ट्स पर्सन मे ऑल्सो बी कंसिडर फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिक ऑफ देयर करंट एनुअली ऑल इंडिया रैंकिंग। यानी अगर आपने जो है बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस में आपने रैंकिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर टेबल टेनिस की यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आप देखें सीनियर कैटेगरी में है, यूथ या फिर जूनियर कैटेगरी में आपने जो है सिंगल या फिर डबल्स में आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए सीनियर के लिए सिंगल डबल रहने वाले, आपके अगर 20th आपने प्लेस होल्ड करी हुई है, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो, और डबल में अगर आपकी 4th पोजीशन थी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यूथ की अगर हम बात करें, यूथ सिंगल में अगर आपने जो है 6th पोजीशन पर आप आए हो, तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जूनियर सिंगल में अगर आपने 6th पोजीशन है, तो अप्लाई कर सकते हो टेबल टेनिस में। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। इसके बाद जो आपका रहने वाला है बैडमिंटन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीनियर कैटेगरी वालों के लिए सिंगल में भी और डबल में अगर आपकी 30th पोजीशन थी या फिर इससे कम थी, तो आप सिंगल में जो है अप्लाई कर सकते हो। डबल में अगर आपने 6th पोजीशन होल्ड करी हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 2 साल का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ओके, क्रिकेट के लिए आपका रहने वाला है, क्रिकेट विमेन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्रेजेंट फॉर मेन इंडियन सीनियर टीम का, अगर आपने रिप्रेजेंट कर रखा है या T20 मैचेस खेल रखे हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेल रखे हैं, तो आप एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर नेशनल लेवल पे आपने कोई भी चैंपियनशिप में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी चैंपियनशिप का नाम, जैसे T20 हो गया, वन डे लिमिटेड ओवर्स हो गया आपका, इन गेम्स में आपने जो कि BCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि नेशनल लेवल पे, जैसे कि आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने डिटेल चैंपियनशिप के, जैसे कि ऑल इंडिया इंटर स्टेट एलीट एंड प्लेड ग्रुप चैंपियनशिप हो गया आपका सीनियर जूनियर कैटेगरी में, तो ये आप स्क्रीन पॉज करके एक बार ही देख लीजिएगा। इसी तरीके से जो है आपके बाकी, जैसे कि बास्केटबॉल वालों का हो गया, वॉलीबॉल वालों का हो गया, और यहाँ पर बॉक्सिंग वालों का हो गया, पावर लिफ्टिंग, फुटबॉल आपका यहाँ पर रहने वाला है, और वेट लिफ्टिंग का रहने वाला है, तो ये आप एक बार ही क्लियरली स्क्रीन पॉज करके एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक को बताने लग गया तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पर रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट, देखिए डिसिप्लिन आप यहाँ पर देख सकते हो, कैटेगरी आपका यहाँ पर है, एज ग्रुप आपके यहाँ पर है, और जो आपकी चैंपियनशिप है, तो जो चैंपियनशिप वैलिड है, आपके रिकॉग्नाइज किए जाते हैं आपके गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस, जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो कौन से लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हो। एथलेटिक मैन के लिए अंडर 20 आप देख सकते हो, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में अगर आपका मेडल है मिनिमम, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर बाकी गेमों का भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है आपका।
देखिए, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे बाय पोस्ट आप भेजेंगे, उसके बाद आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन आपके पास जो है कॉल लेटर जाएगा या फिर आपको कॉल के थ्रू बताएंगे लोग, या फिर लेटर आता है वैसे तो। उसके बाद आपको क्या है, ट्रायल के लिए आपको जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, देन आपको जो है इंटरव्यू और आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है। आपके जो लाइक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपके नंबर मिलते हैं आपको, उसके बाद आपके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको नंबर मिलते हैं, इसके बाद आपका पर्सनल जो इंटरव्यू होता है उसके 10 नंबर मिलते हैं। तो किस प्रकार से वो होने वाला है यहाँ पर आप देखोगे प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट के यहाँ पर। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो जो है फर्स्ट में आपको ट्रायल जो करवाया जाएगा उसके आपको 25 मार्क्स अगर मिलते हैं, अगर बिलो 25 मिलेंगे तो आप अनफिट की कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो, और अगर 25 मार्क्स से आपके ज़्यादा आते हैं तो आप फिट कैंडिडेट होंगे। टोटल नंबर आपको जो है फिटनेस के आपको 40 मिलने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट बुलाया जाएगा, देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फॉर गेम स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कोचेज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल्स, यानी जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपका ट्रायल होगा, कोचेज आपको देखेंगे वहाँ पे, रेलवेज़ के कोचेज होते हैं, कुछ साई के कोचेज होते हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, उसके भी हाफ पे आपको मार्क्स मिलते हैं जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया। तो 40 मार्क्स का वो होता है, ट्राई करना कि इसमें 25 से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ, 30+ आपके मार्क्स आएँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहने वाला है, तो आपका जो हायर सर्टिफिकेट होगा वही लेके जाना आप, ठीक है। तो उस पर आपको 50 नंबर मिलेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑल द कैंडिडेट गेटिंग अपॉइंटमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कोटा विल बी अंडर प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी आपको जो है आप जितना अगर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप अपॉइंट हो जाते हैं, तो आपको 2 साल का जो है प्रोविजन पीरियड आपको सर्व करना होगा, 2 साल से पहले आप रेलवे को छोड़ नहीं सकते हो। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो इतना। इसके बाद एसेंशियल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ आपका जो परफॉर्मेंस के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपका, वो आप लेके जाइएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको रहने चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए, कास्ट का अगर आपका है ST ST OBC का तो आप वो लेके जा सकते हो। आपको जो है वो वहाँ पर आपको लेके भी जाना है और आपको अटैच भी करना है, जो फॉर्म आप भरोगे उसमें आपको अटैच करना है। ओके, तो ये आप एक बार अपने आप से भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई करना कैसे करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको अप्लाई जो है ऑफलाइन करना है, आपको फॉर्म यहाँ पर मैं दूंगा, वो आपको फिलअप करके एड्रेस पर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे ही अगर आप देखोगे आपको कहाँ भेजना है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये आपका एड्रेस रहने वाला है। देखिए, एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आप जो है यहाँ पर भेजोगे इनको, तो ये आप एड्रेस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सीनियर पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हेड क्वार्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो मालीगांव गुवाहाटी आपका रहने वाला है, और पिन कोड आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा असम। ओके, तो यहाँ पर आप भेजेंगे, देन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आप एनवलप के ऊपर क्या लिखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। एक सेकंड, ये लाइन और है, पैराग्राफ ये है। सो देखिए, असम के लोगों के लिए जो है आप 23 तारीख तक आपका रहने वाला है लास्ट डेट, बट जैसे कि जो कैंडिडेट अंडमान से हैं या फिर अंडमान निकोबार से है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं, या फिर कोई भी आपका जैसे पंगी हो गया सब डिवीज़न कैटेगरी में आपका रहने वाला, चंबा डिवीज़न हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और जो लक्षद्वीप से हैं उनके लिए रहने वाला है ये, आपके यहाँ पर देख सकते हो 3/11/2023 तक आप जो है ये लास्ट डेट है। तो यहाँ तक आपका पहुँच जाना चाहिए, नॉर्मल ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए इस एड्रेस पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, या फिर आपको जो है नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है, ठीक है। असम वालों लोगों के लिए ये जो है यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 23/11/2023, और उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो अंडमान निकोबार हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया आपका, बाकी ये देख सकते हो चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का, एंड लक्षद्वीप हो गया। तो आपको जो है यहाँ पर 3/11/2023 तक आपको पहुँचा देना चाहिए अपना फॉर्म, आपका पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद आप एनवलप के ऊपर क्या लिखोगे, आप एनवलप के ऊपर लिखोगे जो आपका यहाँ पर रहने वाला ये, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में लिख रखा है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा इवेंट नेम आप यहाँ पर लिखोगे, अपना जो है इवेंट का नाम लिखोगे कि कौन से इवेंट के आप खेलते हो, जैसे कि ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, ये एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि आप यहाँ पर टेबल टेनिस से हैं सपोज, तो सिंगल में है तो आप वहाँ पर सिंगल लिखेंगे, और पावर लिफ्टिंग में तो 38 kg का आप यहाँ पर लिखोगे, अगर जैसे रनिंग का देखा जाए तो 1500 मीटर का था तो आप रनिंग 15 किलोमीटर आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, 1500 मीटर, सॉरी। सो कहाँ गया फॉर्म, ये रहा नीचे, सॉरी। तो ये आप लिखोगे रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा इवेंट नेम आपका यहाँ पर आएगा, पोजीशन आपकी यहाँ पर आएगी, और ग्रेड पे जो यहाँ पर लिख रखा था वो आप यहाँ पर दोगे। पोजीशन में क्या लिखना है, अगर आपको कोई डाउट रहता तो पोजीशन में मैंने ऊपर बताया था आपको कि पोजीशन में क्या लिखोगे आप, लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है।
इसके बाद आपको फीस पेमेंट का जो डाउट रहता, तो फीस पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। फीस पेमेंट देखिए आपको IPO यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑर्डर के थ्रू आपको फीस पे करनी होगी, या आप जो है IPO की इनकी वेबसाइट पे जाओगे, इंडियन पोस्टल की वेबसाइट पे, या नॉर्मली आपके पास नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप जाते हो तो वो लोग यहाँ पर आपकी फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। जनरल वालों के लिए रहने वाला 500, इसके बाद आपका ST SC या फिर एक्समैन सर्विस के जो हैं तो वो जो है यहाँ पर 250 के करीब फ़ीस देंगे, ठीक है, आपकी फ़ीस रहने वाली है। फ़ीस कहाँ पे करनी है, किसको पे करनी है, यहाँ पर ये लिख रखा है, यहाँ पर मालीगांव पोस्ट ऑफिस गुवाहाटी, इसको आप फ़ीस पेमेंट करेंगे, ओके, ये आपका रहने वाला है। देन आपका यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, 13 पॉइंट पर आप यहाँ पर देखोगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए आप, पहली बात तो ये है नॉर्मली। इसके बाद मैं आपको जो है नीचे लेके चलता हूँ, कोई और इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ये आपका फॉर्म है, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसको। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका फॉर्म है, यहाँ पर आपको फोटोज़ अटैच करनी है अपनी, यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको नहीं पता कि ये फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, वैसे पता ही होगा आपको, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ पर जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपडेट, कोई भी अपडेट होता है तो मैं वहीं पर डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइज वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।